Center Fresh Chewing Gum presents Comedy Circus Ke Ajoobe. जरा सोचिए क्या हो अगर अर्चना हिमालय पर जाकर तपस्या करे, अनजल त्याग दे और मौन व्रत धारण करे और उनका तप तोड़ने के लिए अप्सरा बनकर सोहेल आए जो किसी संस्कृत गाने पर क्लासिकल नृत्य दिखाए. कुछ बातें सिर्फ इमेजिन की जा सकती हैं, लेकिन वो मुमकिन नहीं होती. ऐसी ही कई नामुमकिन बातें आज हमारी तिकड़ियां इमेजिन करके आएंगी हमारे इमेजिनेशन स्पेशल में. आप लाफ्टर की जितनी इमेजिनेशन कर सकते हैं हम उससे ज्यादा लाफ्टर आपको देंगे. पिद्दू पाजी वर्सेस गरम पाजी की अनोखी यात्रा लेकर आ रहे हैं हमारी गेस्ट जोड़ी सुनील ग्रोवर एज गरम पाजी एंड राजीव निगम एज पिद्दू पाजी. भाई देखो, गोभी मंगाई थी, कद्दू आ गया है और पोते के साथ में दद्दू आ गया है. अब यहाँ पे होगा खूब धमाल क्योंकि मुंह में तरह तरह के मुहावरे ठूस करके सिद्धू आ गया. भाई ठोको ताली. देखो अर्चना मेरी बात सुनो, मैं बड़ा सेलिब्रिटी हूँ इसके लिए प्लेन से आता जाता हूँ. अगर छोटा मोटा होता तो फेरी से आना जाना मैं भी कर लेता भाई. और कहते हैं यार पायलट नहीं दिख रहा यहाँ पर, बगैर पायलट के कोई प्लेन उड़ा नहीं सकता. और लाख बढ़ा ले कोई कितने भी बाल बालू के बच्चों को कोई डरा नहीं सकता. भाई ठोको ताली. ठोको ताली. पता है गुरु, सब पता है मुझे. देखो हर जलती हुई चीज को चूल्हा नहीं कहते और हर मटकती हुई चीज को कूल्हा नहीं कहते. और सुबह के भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते. और मूली कितनी भी बड़ी हो जाए उसे मूला नहीं कहते. मैं पूछ रहा हूँ पता है गुरु, मुझे सब पता है. देखो मैं बता रहा हूँ, नदियों में जो उफान आता है उसे ज्वार भाटा नहीं कहते. और हाथ ऐसे हिला दो तो उसे टाटा नहीं कहते. पूरी बात सुनो. देखो और बनिया अगर दो दिन दुकान बंद कर दे, चुप तेरा मारूंगा मैं. बनिया दुकान बंद कर दे, घाटा नहीं कहते, भाटा नहीं कहते. देखे मैं पूछ रहा हूँ, बोला तो मारूंगा तेरे मुक्का मारूंगा. मैं पूछ रहा हूँ ये सीट नंबर क्या है इसके ऊपर बताओ. गुरु ये तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी. देखो पढ़ा लिखा आदमी होने के नाते कोई हमसे बात पूछ रहा है. देखो इसमें लिखा है 2 और बगल में लिखा है 7 27. यार बराबर सीट पे बैठे हो गुरु, ये पकड़ो टिकट अपना. सीट तो सही है लेकिन पिक्चर शुरू क्यों नहीं कर रहे. देखो गुरु मैं बता रहा हूँ, सालों से चल रहा है मुंबई में मेट्रो रेल का काम फिर भी पूरा नहीं होता. कोई भले ही पूरी बात सुनिए. देखो सालों से चल रहा है मुंबई में मेट्रो रेल का काम लेकिन पूरा नहीं होता. और कोई भले ही किसी की जूठी थाली धो दे लेकिन सुबह उठ करके कोई किसी का मुंह नहीं धोता. मैं समझ गया गुरु तुम कंफ्यूज हो गए हो. दरअसल ये फिल्म का टिकट नहीं है, ये प्लेन का टिकट है. अच्छा. मैंने तो अपने बेटे को फिल्म का टिकट लाने के लिए कहा था, वो प्लेन का टिकट ले आया. वो तो ठीक है लेकिन गुरु एक बात बताओ यार, ये प्लेन जा कहाँ रहा है. प्लेन कहीं भी जा रहा हो, मैं कांस जाऊंगा फिल्म देखने. एक बार मैंने सोच लिया कि मुझे पिक्चर देखनी है तो बस देखनी है. अब मैं कांस जाऊंगा, तुम कहाँ जा रहे हो. ओ गुरु देखो अपना तो ऐसा है भाई, अगर ये फ्लाइट समझो साउथ अफ्रीका में लैंड कर गई तो मैं क्रिकेट की कमेंट्री करके आ जाऊंगा. ठीक है. अगर समझो ये फ्लाइट गुजरात चली गई तो चुनाव प्रचार करके आऊंगा. अगर मुंबई में आ गई तो कोई टीवी शो करके जाऊंगा. अगर समझो अमृतसर में लैंड कर गई भाई तो कभी कभी इंसान को घर भी तो जाना चाहिए ना. ठोको ताली. बड़ी देर से हंसे नहीं तुम. क्या बात कही है गुरु, ठोको ताली भाई. लेकिन गुरु देखो तुम भले ही कहीं जा रहे हो, मैं भले ही कहीं और जा रहा हूं लेकिन जा तो दोनों सेम फ्लाइट से रहे हैं ना. बिल्कुल सेम फ्लाइट से जा रहे हैं. और जब इंसान सेम फ्लाइट में सफर कर रहा हो तो सफर सुहाना तब होता है. आगे बात मैं बोलूंगा, खूब चलेगा, रंग मिल बैठेंगे हम यार. देखो गुरु अब यारी दोस्ती तो हो गई है. बिल्कुल. जब यारी दोस्ती हो जाती बात आगे भी बढ़ानी चाहिए भाई. बढ़ा दो. कुछ अपने बारे में बताओ. अपने रिलीज हुई थी फिल्म संतो.
सन दो के आगे भी तो कुछ बोलोगे? अरे दो ही सन है मेरे, उनके साथ पिक्चर रिलीज हुई थी। सन दो फादर एक आगे क्या? गुरु समझे नहीं? हाँ समझाओ। मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अपने बारे में कुछ बताइए। अब मैं भी तो अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं कौन सा चट्टी अमला पगला के बारे में बता रहा हूँ। मैं कि इटलाज खूब जमेगा रंग, और हाँ पानी रेंट पेंट पूरी फायर से ही डालना। एक मिनट बेटा, बबी चखना नहीं लगाया तू? जल्दी लगे आ, क्या पीजिए, फालतू बात मत कर। सुन अगर तू नहीं लगे आया ना तो तेरी पिक्चर आती रहती ना टीवी पे गुप्त, मैं उसका सस्पेंस बता दूंगा कि खूनी का झोला है। लग गया? गुरु वो तो ठीक है, देखो भाई लेकिन आप इतने बड़े स्टार हो, बड़े बड़े स्टार आजकल टेलीविजन पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल गुरु, आप काम क्यों नहीं करते हो टीवी पे? टेलीविजन में पैकअप बहुत लेट होता है। शाम को 7 बजे के बाद मुझे मंजीरा होता है, मेरा टाइम मंजीरा टाइम, मुझे वो बचाना होता है इसलिए। मंजीरा नहीं, उसको मदिरा कहते हैं। आ, जो भी है मेक इट लार्ज, लेकिन पानी रेंट कैन पेंट प्यूरीफायर से ही डालना। एक मिनट भाई, टिंग टोंग। बेटी सा दरवाजा खोलो, कोई आया है। गुरु मेरी बात सुनो भाई, परिंदे का घोंसला कोई इंजीनियर डिजाइन कर नहीं सकता। अच्छा। और शुतुरमुर्ग लाख कोशिश कर ले लेकिन मुर्गी का अंडा दे नहीं सकता। भाई कंफ्यूज हो रहे हो गुरु, ये घर पे नहीं बैठे हो, प्लेन में बैठे हो। हाँ, एयर होस्टेस आने वाली है। मेरी बेटी एयर होस्टेस बन गई? मेक इट लार्ज, पानी रेंट पेंट फ्री फायर से ही डालना। देखो भाई, आपका व्यापार बड़ा अच्छा चल रहा है। बिल्कुल, लड़के आपके बड़े बिजी हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता बिजी कहाँ पर हैं लड़के तुम्हारे। हमें काम करने की जरूरत नहीं है। और क्यों जरूरत नहीं गुरु? हमारा मुंबई में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, सड़कों पे हमारी बसेस चलती हैं। लेकिन मुंबई में तो BEST की बसें चलती है गुरु। तो वो हमारी तो ट्रांसपोर्ट है, BEST, बॉबी शासनी ट्रांसपोर्ट। देखो ये तो अच्छी बात है, व्यापार की बात कर रहे हो, चाहे व्यापार हो या अचार, नींबू हो या अदरक, लेकिन आम के अचार की बात गुरु बड़ी अलग होती है। और आम के अचार से गुरु मुझे याद आया कि फिल्म में तुमने जो है खटाक खटाक आम तोड़ना सिखाया था, तो जो आम टपके थे नीचे तो उनका अचार बनाया था कि नहीं बनाया था? लेकिन मुझे उसका पता नहीं क्योंकि मेरा ध्यान संतरों की तरफ था। रामगढ़ में संतरा दारू मिलती थी और कोई मिलती नहीं थी, समझे? और सुनो ड्राइवर, मेरी गाड़ी निकालो, मेरा स्टेशन आ गया। इसके चक्कर में हम बौरा गए हैं भाई, गाड़ी चलाते हैं, इनका महीने का पगार देते हैं 7,000, हमको रोज शाम को दारू पीने के चक्कर में कभी गब्बर सिंह कभी सिद्धू बना के यहाँ टाइम पास करते हैं बना करके। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो है वो कालिया साहब के ऊपर। कालिया साहब के जब से जहाज बैठे हैं ना तो एयरपोर्ट में कोई खड़ा नहीं करता, पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, इनके घर के पिछवाड़े खड़ा कर गए जहाज। इन्होंने 2 सीटें बुक कर ली, बोली रोज 2 सीटें आपके हमारी तरफ से बुक, 2 इधर वो बैठते इधर हमको बैठा। जिंदगी खराब कर दी, आ जाओ बढ़ाओ। अर्चना बहुत बढ़िया लिखा गया, आप दोनों ने इतना बढ़िया समा बांधा यहाँ पर। सुनील इतना बढ़िया, धर्मपाल जी कभी मैंने नहीं देखा, इतना क्यूट, इतना एंडियरिंग। ये एक सीक्रेट नहीं है, परमीत को तो पता ही है कि आई वॉज इन लव विद धर्मपाल जी। मतलब परमीत बोलते थे अगर मुझे छोड़कर तुम भागोगे किसी के साथ तो वो धर्मपाल जी से हो सकते हैं। और जब आपने ये इस अंदाज में धर्मपाल जी को हमारे सामने दर्शाया है तो आई फेल इन लव विद हिम ऑल ओवर अगेन। उस क्यूटनेस और इनोसेंस के साथ आपने ये धर्मपाल जी किया जो एक्चुअली इनोसेंस धर्मपाल जी में है, उनकी पर्सनालिटी में है। सो थैंक यू फॉर दिस लवली परफॉर्मेंस। और राजीव आपने बहुत बहुत बढ़िया सिद्धू पाजी किया, ऑल इन ऑल अ लवली एक्ट, वेरी एंटरटेनिंग। तो सोहेल को तो ये एक्ट काफी पसंद आया, लेकिन उनसे कॉमेंट्स मैं नहीं मांगूंगी, आप धर्मपाल जी बनकर ही मांग लीजिए। लगाओ एक कमेंट। मैं आपके कमेंट नहीं लगाऊंगा, आपके आगे गले लगाऊंगा। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ धर्म जी, इनफैक्ट द बिगेस्ट फैन, आई हैव बीन बॉर्न विद धर्म जी फिल्म्स। तो जब मैं आपको देख रहा था आई वॉज ओनली फीलिंग लव, एंड मैंने धर्म जी के साथ काम किया है। इस आई एम विद वन ऑफ द फॉर्चुनेट today generation boys who had the opportunity to work with him in Pyar Kiya Darna Kya,
And he is a fabulous gentleman. You know, this is a tribute to Dharamji. Congratulations, fabulous actor. तो सुनील ग्रोवर और राजीव निगम के लिए जोरदार तालियां। आज हिंदुस्तान सुनाएगा अपनी कहानी खुद अपनी ही जुबानी। प्लीज वेलकम मंत्रा एंड पूर्वी एज वेरियस प्लेसेस एंड राजीव एज पंजाब। जय हिंद। शूरवीरों के रक्त से रंजित मैं धरती महान हूँ। भिन्न भिन्न राज्यों की धारदार तलवार वाली मैं एक मयान हूँ। उच्च आदर्शों की संतान हूँ। नमन हो, मैं हिंदुस्तान हूँ। एक वक्त था जब हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब इस चिड़िया के ऐसे तीतर तोते उड़ गए, चिड़िया का बदन ही बीट बीट रह गई है। आज मैंने अलग अलग राज्यों को यहाँ पर बुलाया। कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम्स होती हैं, और जहाँ चार बर्तन होते हैं वहां पर तो शोर होता ही है ना। ये मेरा बड़ा नोटी सा गदरीला सा, तुम खाना खाना बंद करोगी? मैं इस देश की भूखी नंगी जनता से कुछ कहना चाहता हूं। एक छोटे से कटोरे में हम लोग अपना पालन पोषण कर रहे हैं। ये हमारे देश की बच्ची है, इसे खाने दो, इसे खाने दो। एनीवे, मैं आपको आपको पंजाब से मिला रहा था। ये भी खाते पीते घर का है, आप देख सकते हैं। और इनके बारे में मैं आपको अब क्या बताऊं, एक चीज मैं कहना चाहता। अच्छा, मेरे बारे में भी ये बताएगा? हर बात पे गुस्सा नहीं होते, अभी बाकी और राज्य आएंगे, मिलकर बातचीत करेंगे। कहां है मेरा दूसरा राज्य? मिलिए मेरे सबसे प्रगतिशील राज्य से, गुजरात। जिनको ये वाली भाषा सबसे अच्छे है आती, वो है नंबर वन गुजराती। एनीवे, वेलकम गुजरात। अरे केम छो, मजा माने? अरे अरे पंजाब, तुम ऐसे रूठे रूठे खड़े हो, गुजरात आए, हाय हेलो करो। ओ क्या बताऊं यार, हम पंजाबियों को तो सी फैक्टर ने मारा है यार। आधे सी फॉर कनेडा चले जाते, आधे सी फॉर कॉमेडी सर्कस में, और हमें तो एग्रीमेंट में फंसाया भी इन गुजरातियों ने यार। कितना अच्छा लगता है बच्चों को आपस में खेलते देखना, बड़ा अच्छा लगता है। तुम लोग बच्चों खेलो, मैं जरा ज्वालामुखी रिलीज करके आता हूँ। मैं अभी आओ जाओ जो। मैं क्या गुजरात जी, बड़े सोने लग रहे, कितने जफी पा लो। चिपकने का नहीं, चिपकने का नहीं, चिपकने का नहीं। छोड़ो जी, ओ पंजाब की दो ही तो चीजें चलती है, जफी और पप्पी। सब जगह चक चल रहा है। अरे हाँ, किसी में दम तो आ जाए, बारी बारी काट दे के लेकर आ रे, एक बिहारी सब पे भारे। बहुत बढ़िया। लेकिन एक तो बात बताइए, मीटिंग किस बात के लिए बुलाई गई यहाँ पे? अरे सबको बता दीजिए, हमारे यहाँ सब कुशल मंगल है और सब भाईचारा से रहते हैं। हाँ, बहुत भाईचारा है, इसीलिए आपस में सब एक दूसरे का चारा खाते रहते हैं। बोलती रहती है कार, काम धंधा नहीं है क्या? लो धंधे की बात गुजरात से। अरे गुजरात में जितना काम धंधा है ना, उतना किधर भी नहीं है। सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गुजरात ने। हाँ तो रोजगार के लिए लोग कौन दिया? बिहार और कौन भे? कैसे बात कर रही है? अरे ससुर के नाती देश में तीसरा नंबर है पॉपुलेशन के मामले में, एक बिहारी सब पे भारी भैया। अच्छा, ढोकला खखरा फफड़ा कुछ लेंगे? लिट्टी चोखा सत्तू खाकरा बब्बा। What do you mean? I know the English, you tell me. हाँ, क्या है? एक से एक यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई लिखाई करते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी जहाँ पे पढ़ाते हैं, A for अपहरण, B for बंदूक और C for चक। अरे पढ़े लिखे तो हम हैं। क्या बात क्या कर रही है? तुम्हारा पढ़ाई लिखाई भी मालूम है हमको, तुम्हारा A for पैसा, B for पैसा, C for पैसा, साला पैसा पैसा करते है या पैसे पे काहे मरते भैया? अरे जा 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 जा। अरे साल में सबसे बड़ा त्योहार हम लोग मनाते हैं पोछे। ची 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 ची। साल में अट्टू ही बार। हाँ। साला हम तो हर रोज नहाए और रोज का पोछे। हाँ साल में एक बार, गंदा लोग। अरे ठीक, और समेन और त्योहार के दिन ना रंग बिरंगी पतंग उड़ाते हैं। अरे सुन रहे टप टप रे, हम पतंग तक नहीं उड़ाते, पूरा आदमी उड़ा देते, समझे ना? अक्का कहर जा रही है, हमारे का एबीसीडी मत सिखाइए, जी फॉर गन और जी फॉर जर्दा जर्दा कहिए। अरे ये सब छोड़ो, गुजरात कहाँ से कहाँ पहुँच गया? अरे क्या नहीं है हमारे पास, पावर पैसा सोरा दौलत, तेरे पास क्या है? माँ
बिहार का हर घर में 10-10 बच्चों की एक माँ है साला। एक बिहारी सब पे भारी चढ़ जाएंगे भैया बोल दे। अरे जा जा जा। अरे हमारा वो गरबा, क्या गरबा खेलते हम लोग। हेलो हेलो बाबू। अरे कौन सी गरबा की बात कर रही हैं आप? अरे हमारी लुगाई, हमारी बीबी वाइफ वो गरबा में एक्सपर्ट है। क्या बात करते हैं? हाँ, हर दूसरे दिन गरबा से हो जाती है। अरे हमारे गुजराती लोग तो अमेरिका तक फैल गए हैं। हर मोटेल का मालिक पटेल और गुजराती खाना तो इतना फेमस हो गया ना कि अर्चना बहन थेपला खाए बिना तो ओबामा भी व्हाइट हाउस से नहीं निकलता है। बोलो। तो सही बोले भैया। और नहीं तो क्या? अरे क्या नहीं है हमारे पास? और इतने टैलेंटेड लोग, तुम्हारा प्रोड्यूसर विपुल वो भी गुजराती है। टैलेंटेड बोलो, चालाक के बारे में बात मत करो। अरे यार, ये तो हमारा गुजरात का मेन टैलेंट है चालाकी। लेकिन वो छोड़ो ना, हिमेश रेशमिया, संजय लीला भंसाली, बड़े बड़े लोग यार। संजय लीला भंसाली, एक एक बात बताइए भैया, ये मोदी जी तो है, ये गुजरात से बीमारी भगाने का मूड में है, और ये भंसाली जी सारा का सारा बीमारी उठा के फिल्मों में ले आते ने बनाए का खामोशी ब्लैक गुजारिश का हो का रहा है उनको। सारा बीमार आदमी पे पिक्चर बनाते हैं। 5 मिनट से वहां खड़ा हूँ। आई नो, मुझे लाइने नहीं देते, फिर कहते हैं पंजाब गालियां निकालता है तेरी। कंट्रोल। लेकिन एक बात तो पक्की है, मेहमान नवाजी में तो गुजरात का कोई जवाब नहीं है। और इसीलिए तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार रोज टीवी पे आके आपको बोलता है, कुछ दिन तो गुजारो हमारा गुजरात में। अच्छा, उनको भाई साहब को बोलिए आधा दिन बिहार में गुजार लेंगे, जिंदगी भर याद रखेंगे। अम्मा कसम खाई देना, हमें बुलाइए उनको एक बार। आई लव अमिताभ बच्चन जी। एक मिनट, फोन आया मेरा पड़ोसी राजस्थान। हेलो राजस्थान, क्या गर्मी। अरे यार, एक तो राज्यों में राजस्थान और कॉमेडी सर्कस में कृष्णा, दोनों बहुत गरम रहते 24 तार। अरे बाबा, मेरे को जाने का, उसको मदद करने का, चलो आओ जाओ पश्चिम वाली। गुजरात जा, कोई टेंशन नहीं। तुम चाहे हमेशा इतना बकर बकर करते रहते हो, टेंशन मत लिया करो, घर बार कैसे चल रहा है, गेहूं वेहूं सब अच्छा है। अरे पंजाबियों ने फूड इंडस्ट्री छोड़ी है, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत दिया। हाँ। धर्मपाजी किसने दिए? पंजाब ने। बात है। यशराज जी किसने दिए? पंजाब ने। कॉमेडी सर्कस को अर्चना पूरन सिंह किसने दी? वो राजीव ठाकुर भी तो है, क्या कह रहे थे। तो गलती इंसान से ही होती है। हाँ। वही गलती सुधारने के लिए पंजाब ने सुपर टैलेंटेड राजीव मेहरा भी तो भेजा है। अरे जरा पकड़ पकड़ टकर टकर किए, जरा अभी हम लेकर आते अपने गैया करते तो हर मैया रुकता जा साला। हमें पता है। और मैं क्या दिली जी, हम तुम तो गवांडी गवांडी है। और जरा गले लग जाओ, बड़े सोने लग रहे हो। क्या हुआ, बड़े थके थके हो? अरे क्या करूं, मेट्रो का लोड इतना बढ़ गया है और ऊपर से इतने सारे फ्लाई ओवर। इतने सेक्सी फ्लाईओवर, जी करता एक बार लॉन्ग ड्राइव कर ही लूं। बेटा दिल्ली हूँ, दिल्ली टोल भरते भरते ना तेरा टोल नक्का थक जाएगा। आया कसा वंटा है, कसा मुंबई बाजारे, जय महाराष्ट्र। छोटे दिल वाले मुंबई को देख सबकी, यहाँ पे मराठी गुजराती पंजाबी बंगाली खान पठान हर कोई बसता है, और अर्चना चंकी पांडे भी है भाई। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। हाँ तो मुंबई हिंदुस्तान की जान है वंटा है क्या। अरे सुबह से लेकर शाम 24 घंटे चलती कि नहीं वंटा है, यहाँ पे सुबह को खुदाई और रात में मस्ती बाबा, मस्ती है बाबा। मैं इंडिया की कैपिटल हूँ, कैपिटल। अरे तो अपन तो मुंबई है ना, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल, और क्या। आई सी नहीं, सी भी मेरे ही पास है। वर्ली सी फेस, फेस टू फेस बैठती क्या। अरे जा जा। अरे मेरे पास, मेरे पास मेट्रो है। हाँ तो अपन पास भी मेट्रो। खंबे लगे बन जाएंगे सालों। हाँ पर काय का मेट्रो, तेरे पास मेट्रो, हमारे पास रेट्रो। लता जी है, आशा जी, अमिताभ है। अच्छा, मेरे पास इंडिया गेट है। हाँ, जहाँ पड़ती प्रदर्शनकारियों को बेत है, मालूम है। चलो मारते हैं यार। अरे बहुत है हमारे पास गेट ऑफ इंडिया, बोल। हाँ ठीक है ठीक है, तो मेरे पास खुद मीनार और लाल किला। हाँ हमारे पास मुन्नी और शिला। शिला की जवानी। अरे शिला तो मेरे पास भी है, लेकिन तेरी वाली बेटर है। वही तो।
कोई नहीं कोई नहीं, टेक केयर बिकॉज आई एम हियर. हमारे पास तो मिनिस्ट्री भी है. लेकिन बस कानून नहीं है, है ना? क्या बनता है, क्या बोलती रे भाई. 21 दिसंबर को बोलते हैं दुनिया खत्म होने को है, अरे 16 दिसंबर को मानवता खत्म कर डाली इनने यार. क्या बोलता है भाई. नहीं यार नहीं बनता. मैं तो बस इतना बोलता हूँ भाई कि तू दिल्ली की शान और शौकत में जो भी बोल ऐसे मुंह लटकाती ना तो समझ में आता दिल्ली भी शर्मिंदा रही है. अरे बोलना इसे, क्या बोलता है. क्यों दिल दुखा रहा है दिल्ली का. और दिल्ली ने ना जाने क्या क्या देखा, अंग्रेजों से लेकर मुगल साम्राज्य तक, आजादी की लड़ाई से आज तक, और तू उसका दिल दुखा रहा है. किसकी दिल्ली, कैसी दिल्ली. दिल्ली ने यहाँ पे सबको अपनाया पर अफसोस कोई दिल्ली को अपना ना सका. मैंने यहां सबको प्रेम दिया, सम्मान दिया, और मेरे बच्चों ने ही मेरा अपमान किया. नहीं नहीं, मैं मानती हूं कि दिल्ली में गुनाह होते हैं, लेकिन आज मैं सबसे पूछना चाहती हूं, क्या उस गुनाहों की गुनहगार सिर्फ दिल्ली है या पूरा हिंदुस्तान. तमाम बातों जज्बातों विदाउट पंचेस फुल सटायर स्क्रिप्ट सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आज सभी राज्यों के जबरदस्त प्यार को देखते हुए हिंदुस्तान एक था, एक है और एक ही रहेगा. क्या बनता है, बस आ जा खाने वाली भाई. आया आया अर्चना, आप इस पावर पैक्ड इंडिया जर्नी के बारे में क्या कहेंगी. पूर्वी एंड मंत्रा फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच मैम. वाओ, स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम अर्चना. हु रोट दिस एक्ट. वंकुश अरोड़ा. वंकुश ने इतनी खूबसूरती से एक्ट लिखा है और उससे भी ज्यादा खूबसूरती से आप तीनों ने इस एक्ट को निभाया है. वेरी इंटेलिजेंटली रिटन एंड ओनली इंटेलिजेंट एक्टर्स लाइक यू कैन परफॉर्म इट. थैंक यू सो मच. ब्यूटीफुल. सोहेल, हमारे देश में इतने रंग है और इतने कल्चर्स है, तो वी शुड अप्रिशिएट द लैंड दैट वी कम फ्रॉम. और जो एंड का जो सटायर था, जो आपने एक मैसेज हमें सबको दिया है, वो बात बिल्कुल सही है दैट इट इज नेवर द प्लेस, इज द पीपल. अच्छे लोग और बुरे लोग सब जगह होते हैं एंड इज द पीपल हु डू इट. सो आई थिंक दिस एक्ट वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट एक्ट और सिर्फ आप जैसे बेहतरीन एक्टर्स इसको जस्टिफाई कर पाए. थैंक यू सो मच. Judges, time now for the scores. So, undoubtedly, the love affair continues. And बिना औरतों के समाज में मर्दों के जज्बात और उनके हालात लेकर आ रहे हैं भारती एंड किकू एज वेरियस कैरेक्टर्स विद सिद्धार्थ एज सनसनी रिपोर्टर. जेल से सोना है तो कछुआ जलाओ क्योंकि मच्छर बड़े हैं. सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी आपने देखी होगी, लेकिन सब्जियां चीरती हुई महिलाएं आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि दुनिया से महिलाओं का वजूद ही खत्म हो गया है. चारों तरफ कोहरा मच चुका है. इसका मतलब यह है कि कलयुग खत्म हो चुका है और शुरू हो गया है गुड़ युग. यह क्या है, मैं तो अच्छा दिखता हूं, यह आईना क्यों लाया है. मेरे को लगता है ये आईना ही है. सच्ची में आईना है, लेकिन मैं और एक तरकीब करूंगा. अमर अकबर एंथोनी में अमिताभ बच्चन ने किया था, कितना मारा तेरे को, मैं भी मार के ये साबित करूंगा कि ये आईना ही है. अबे ये आईना नहीं है तो मेरी बेइज्जती कर रहा है. कौन हो तुम. मैं जो भी हूँ तू चुप कर. मैं लेकर आया हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज. गाजियाबाद में कल रात चार लोगों के साथ सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी जो सन्न कर देती है. ये क्या, मेरे लिए दो दो आईने रखे हैं. एक आईने में मैं मोटा लग रहा हूँ और दूसरे आईने में मैं लंबा और भद्दा. लेकिन चाटा मार के चेक करूंगा. अभी मैं मारूंगा चाटा. अरे मेरे क्यों मारा, तुम कौन हो. हाँ हाँ, तुम कौन हो. सालो अपनी बाप की आंख में उंगली मारो. हम तीन यहाँ पर एक मकसद से आए हैं, तो आइए उस मकसद को पूरा करते हैं. जी हाँ,
एक दो तीन चैन से सोना है तो कछुआ जलाइए क्योंकि मच्छर बड़े हैं। तुम लोग मारने आए हो एक करने आए हो? एक तो दुनिया से औरतों का वजूद खत्म हो चुका है। बिल्कुल सही कहा तूने, वाकई वजूद खत्म हो चुका है। सास बहू के सीरियल की जगह अब टीवी पे आ रहा है साड़ू और साले की मस्तियाँ। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है, पूरी औरतें खत्म हो गई लेकिन अर्चना जी कैसे बच गई? ये भी विपुल की बहुत बड़ी चाल है जो टीनू आनंद के दांत तुड़वा के श्रुति बना सकता है तो गोगा कपूर की मूछें कटा के अर्चना क्यों नहीं बना सकता? लेकिन सबसे बड़ा नुकसान सोहेल का ही है। पहले तो श्रुति उससे छिन गई और दूसरी छिन गई बिरयानी क्योंकि दोनों ही स्त्रीलिंग है। अरे वो तो ठीक है, बिरयानी की जगह सोहेल भाई पुलाव मंगवा लेंगे लेकिन श्रुति जैसी कामवाली कहां से लाएंगे? अब दोनों मोटो जाओ और चेंज करके आओ, एक भी आगे बढ़ाना है। जाते हैं। अबे अबे मैं क्या तबला बेटी वाला हूँ क्या, बार बार मार के जा रहे हो, जल्दी जाओ तो देखा आपने पूरी दुनिया से पूरी दुनिया में औरतों का वजूद खत्म हो चुका है। अब औरतें ढाई ढाई घंटे संभाल रहे भाई मेरे को, ढाई ढाई घंटे मेकअप कौन करेगा, मर्दों पे इल्जाम कौन लगाएगा, अब माँ के प्यार के लिए तरसेगा बाप क्योंकि दुनिया से औरत जाती खत्म हो चुकी। मैं भी ये चोटी बांध के घूमता हूँ, बाल खोले तो लोगों को मैं ही औरत लगता हूँ। बताइए मर्द लोग कहाँ जाएंगे? वेरी नीट देखो ते कोठे दानार मला काईस गलत नहीं, किधर जाएंगे वो लोग कुछ पता नहीं। इन्हीं लोगों ने ले ली ना टी शर्ट मेरा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना टी शर्ट मेरा। ओ हमरी न मानो सोहेल वासे पूछो, कॉम्प्रोमाइज के बहाने जो छीना टी शर्ट मेरा, ओए के बहाने जो छीना टी शर्ट मेरा। हम हैं दीपक जान, अब क्या करें, दुनिया में औरतें सारी खत्म हो गई हैं तो हम मर्दों को क्या क्या करना पड़ता है देखिए ना। हाय 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 दीपक जान, तुम्हारी मोहब्बत में हमारा दिल अटक गया है, तुम्हारी मोहब्बत में हमारा दिल अटक गया है, जुल्फों से फिसल के तुम्हारी दाढ़ी में अटक गया है। हाय 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 हाय। अरे तो जल्दी किस बात की है, जरा जाम से जाम मिला के तो देखो, जल्दी किस बात की है, जरा जाम से जाम मिला के तो देखो, बस एक बार दाढ़ी से दाढ़ी मिला के तो देखो। चलो आओ ना, जिस चीज के लिए हम इधर आए हैं वही करने चले। आइए आइए। देखा आपने, आप क्या सोच रहे हैं क्या होगा इस पर्दे के पीछे, वाह हो रहा है कुकर्म का तांडव। आइए आपको दिखाते हैं क्या कर रहे हैं। तुम एकदम कंफर्टेबल हो ना दीपक? हाँ एकदम। अरे जल्दी जल्दी निकालो। सबर कीजिए ना, खोलने तो दीजिए। अरे वाह वाह मजा आ गया, ब्रांड न्यू, ऐसे लगता है जैसे किसी ने छुआ तक नहीं है। अरे 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 दीपक जान, ये तो तुमने फंसा दिया। जरूर, ये क्या कह रहे हैं आप, फंसाया तो आपने है। फसवा फसवी की बातें कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, तुमने चीटिंग करके फंसाया है। अरे चीटिंग तो ये कुदरत के साथ कर रहे हैं, अरे ये तो होना ही था, सच कहता हूँ। अरे अब तो औरतें खत्म होने से आलम तो ये हो गया है, सुबह मैं घर से निकला तो मेरे पापा ने मेरे लिए कोबा का सब्जा बनाया था, वो खाके मैं नीचे उतरा और मैंने गाढ़ा शुरू किया तो गाढ़ा शुरू ही हो नहीं रहा था क्योंकि मैं चाबा ऊपर ऊपर भूल के आया था। स्त्रीलिंगी खत्म हो रहा है, सच्ची बोल रहा हूँ, ये तो आम बात है, अभी त्योहारों का भी वही हो रहा है, दिवाली का दिवाला हो रहा है, होली का होला हो रहा है,
लोड़ी का। बस सब समझ गए हैं? नहीं समझ जाएंगे। ये मर्द लोग कभी औरत को नहीं समझेंगे, ये तब समझेंगे जब औरत की असली अहमियत को समझेंगे। सही बात है यार, कोई इज्जत नहीं करता औरत की। तुम लोग को पता है हर चीज औरत से जुड़ी है, धरती माता, भारत माता। अरे तुम लोग से अच्छे तो कुत्ते जानवर हैं। वो कैसे? तुम्हें पता है कल रात को 5 कुत्ते एक अंधेरे में खड़े थे, एक कुत्ती वहां से निकल रही थी। कुत्ती इन 5 कुत्तों को देख के डर गई, लेकिन वो कुत्तों में से एक कुत्ता आया और कहने लगा, बहन हमसे डरो मत, तुम सेफली घर जा सकती हो, हम कुत्ते हैं इंसान नहीं। ये तो सही है। वैसे आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये इमेजिनेशन राउंड है? तो ये हमारा इमेजिनेशन है? नहीं 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 नहीं, इस इमेजिनेशन को रियलिटी बनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों हंसी नहीं आई? अरे इसी बात पे हंसना भी नहीं चाहिए दोस्तों, जरा समझो। सही बात है, हमारे एक्ट खत्म होने के बाद आप लोग बातें करते हो और हम लोग बाहर जाके सोचते हैं, लेकिन अब हम लोग बोल रहे हैं और इनके साथ पूरा भारत जो घर में बैठा है। प्लीज एक बार सोच के देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो अर्चना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कल्पना में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में जो आपने अभी कल्पना में देखा वो कभी होना नहीं चाहिए और ना ही होगा, क्योंकि सृष्टि ही जन्मी है एक महिला से। आई थिंक द कॉन्सेप्ट वॉज वेरी नाइस, आई थिंक द एग्जीक्यूशन वॉज अ लिटिल फ्लॉड। हमेशा मैंने कहा है कि कॉमेडी तब बेहतरीन होती है जब उसमें इनोसेंस की छाप बहुत हावी हो। जिसने भी लिखा है बहुत सोच कर लिखा है और ये एंड में जाहिर किया है कि ये ना ही एक कॉमेडी और ह्यूमर का मंच है, हम लोग यहाँ पर सोचते भी हैं, एंड वी फील एंड वी आर वेरी सेंसिटिव टू द लार्जर इश्यूज इन आवर सोसाइटी। थैंक यू आर्ची। सोहेल, यू नो फॉर मी दिस एक्ट की नीयत बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका ग्राफ थोड़ा गड़बड़ हो गया। सो आई जस्ट विश दैट एज इंटेलिजेंट एक्टर्स यू शुड हैव बीन गिवन मोर टाइम टू एग्जीक्यूट द एक्ट हाउ द एक्ट डिजर्व टू बी एग्जीक्यूटेड। थैंक यू सोहेल। टाइम फॉर दिस कॉल, तो आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे सोहेल? 8 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच। 8 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना एज वेल। आज राइटर्स और आर्टिस्ट निकालेंगे अपनी अपनी भड़ास, क्योंकि राइटर बन गए हैं आर्टिस्ट और आर्टिस्ट ने पहन लिया है राइटर का लिबास। प्लीज वेलकम कृष्णा एज अ न्यू राइटर, सुदेश एज वेरियस कैरेक्टर्स एंड सिद्धार्थ एज कॉमेडी सर्कस राइटर राज शैंडिलिया। क्या बात है, क्या बात। अपना चश्मा और कोट लेके जाओ। अब कुछ नहीं रहा, कृष्णा गिरी खत्म हो गई है। नमस्कार, अब मैं राइटर बन गया हूँ। अब तो राइटरों की शर्ट भी फटी पड़ी है। अजरा जी, कैसा लगा मेरा डांस? फिर भी बहुत अच्छा है ना? अगर यही डांस मैं दिखला जा मैं जाके करता ना, माधुरी मुझे 10-10 देती, स्टैंडिंग ओवेशन देती। माधुरी हाँ, और इस शो पे आओ, कितना भी अच्छा डांस कर लो, माधुरी माधुरी, कितनी भी अच्छी कॉमेडी कर लो, माधुरी जिंदगी की माधुरी हो गई। क्या सोहेल भाई, क्या हाल है? दबंग टू सरबाल भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ, सुपर हिट हो गई पिक्चर। अरे बताओ, आपकी इज्जत करें या छोड़ दे, कुछ तो बनाओ यार। आप क्यों इतना हंस रही हैं? आपने भी बोल बच्चन के बाद कुछ नहीं किया, वहां मेरी माँ बनी थी, यहाँ बाप बनी बैठी, 8-8 नंबर। एक्टर राइटर बन गए, राइटर एक्टर बन गए, बेड़ा गर्क हो गया। ऐसे ही लग रहा है ना आप लोगों को? हाँ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, लिखना बहुत आसान है यार, इतना इजी है। मैंने कल ही चैनल वालों को लेटर लिखा, मुझसे मत लिखवाओ, कुछ नहीं हो पा रहा। ये राइटर लोग स्टार बन गए, हमारा राज शांडिलिया इतना बड़ा स्टार बन गया, क्या बताऊं। कल विपुल जी को फोन करके बोलता, सर आप अपना ये प्रोडक्शन हाउस बेच रहे हैं? बोलते आप ऐसी क्यों बात कर रहे हो भैया? बोलते पहले मैं तो राइटर था, अब एक्टर बन गया, अब तो बिकवा के ही रहूंगा भैया। साला कुछ थॉट ही नहीं आ रहा है यार दिमाग में। मैंने पेपर पे बस ऊपर भगवान का नाम लिखा, उसके बाद कुछ नहीं आ पा रहा है अर्चना जी। भगवान भी सोच रहा होगा, बेटा 8-8 नंबर की स्क्रिप्ट में मेरा नाम मत लिख, आई डोंट वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड विद 8-8 नंबर स्क्रिप्ट।
यार यार कल रात से परेशान हूँ। हाँ एक थॉट आया, थॉट आया। मेरा सुसाइड नोटिस में मरना चाहता हूँ। मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। मरने से पहले थोड़ी चाय पी लूँ मैं यार। सुबह से सर दर्द हो रहा है मेरा, रात भर जागा हूँ। स्पॉट दादा। हेलो श्रुति जी, ये लीजिए आपकी चाय और ये आपकी दवाइयाँ। डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर ये दवाइयाँ आप 40 साल लगातार खाएंगी ना रोज, तो एक ही दिन में ठीक हो जाएंगी, लास्ट वाले दिन में। ये कुछ नहीं है, अब रखिए। क्या बकवास करता रहता है, इतना टाइम काहे को लगाते तू आने में। आई एम सॉरी सर, मैं बाहर एक जरूरी चाय पी रहा था। जरूरी चाय? जरूरी चाय क्या होती है बे? सर वो बाहर चाय में ना मक्खी पड़ गई थी। अच्छा। तो बाहर विपुल जी खड़े हैं। तो मैंने कहा मैंने पीनी। कहते चाय वेस्ट नहीं कर सकते, ये आपको जरूरी पीनी पड़ेगी, तो जरूरी चाय होगी। ताले मक्खी वाली चाय पीता है तू? छी छी। सर वो जज पी रहे हैं, हम नहीं पी सकते। क्या बात कर यार, जज को मक्खी वाली चाय पिलाते तुम लोग? ओहो सर, ये छोटा सा एक बदला होता है। अच्छा। आप समझो, वो चावल में इतना बड़ा बकरा डाल के कहते ये बिरयानी खाओ, तो हम क्या चाय में मक्खी डाल के उनके लिए खिला सकते हैं? अब बकरा नहीं आता चाय में, हम कहां से डालें यार? It is too much यार, I am very happy यार। बकर बकर, ये तमीज होनी चाहिए बात करने की हम लोगों के साथ, तुम लोगों को। यही बनता तेरा साले, वो खत्म हो गया काम सर। ए अर्चना जी नमस्ते, उधर स्टैंडिंग विशन 10-10 नंबर खत्म, अब तू राइटर बन चुका है कमीने, खत्म। अरे नहीं यार, अरे प्लीज चाय पिलाएं यार, प्लीज। चाय कहाँ से पिलाएं? हमारी प्रॉब्लम है, एक बूंद दूध नहीं है हमारे पास, कहाँ से चाय बनाए? दूध नहीं, ये क्या है? ये तो दूध है। अरे दूध है तो झूठ क्यों बोलता है, खत्म हो गया। मैं झूठ नहीं बोला, तेरी कसम अभी तू मर जाए अगर मैं झूठ बोलूं। दूध नहीं है ये रहे, ये रहे। जब से राइटर बना हो दूध कहीं से भी लेकर आ, तो मुझे चाय पीनी है। अभी एक मिनट तू लेट हो जाता ना, झूठा हो जाना था। मैं सच बोल रहा हूँ, एक मिनट अभी भी मेरे दांत में दूध फंसा हुआ थोड़ा सा। साले ये दूध की चाय पिलाएगा तो, और क्या बकवास कर रहा है, दूध दांत में कैसे फंस सकता है? अरे दूध फटा हुआ है। अरे फटा हुआ है? तेरा जैसा मुंह है ना, दूध जाते ही फट जाएगा। ये सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुंह का बहुत बड़ा असर होता है। मैं तो दूध मुंह में डाला, दूध फट गया ना। हाँ। सिद्धार्थ यादव साहब है ना, इन्होंने दूध ऐसे पिया, उधर भैंस फट गई। ओ सही बोला। तब भी मैं सोचूं अर्चना जी पिछले हफ्ते रो क्यों रही थी, कहती है मेरी जो गांव वाली बुआ है ना वो फट गई है। मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी, हमारे राज साहब का है, राज साहब हमारे सुपरस्टार। राज साहब थोड़ा बिजी लेट आएंगे। क्या हो गया? वो निकुल साहब को मारने गए। मारने गए क्या मतलब? पता नहीं, राज साहब ने निकुल को फोन किया, निकुल साहब ने फोन उठा लिया, उनको बुरा लगा कि जब मैं राइटर था साले उठाते नहीं थे, अब मिस कॉल में उठा लेते हैं, तो बड़ा गुस्सा किया उन्होंने। लेकिन आपको बताऊं, हाँ जी, ये शो जो आप कॉमेडी सर्कस देख रहे हैं ये हमारे निकुल जी की वजह से, उन्होंने इतनी मेहनत की, छोटी छोटी चीजों का ध्यान दिया है कि कोई राइटर पेट भर के खा तो नहीं रहा बाहर, कोई दिमाग में काजू तो नहीं सोच रहा, बहुत मेहनत। वो इस शो के लिए जितना भागा ना कुत्ते के पीछे, मैं जानता हूँ। कुत्ते के पीछे? व्हाट डू यू मीन बाय कुत्ते के पीछे? सर एक दिन बाहर वो रोटी खा रहा था, कुत्ता छीन के भाग गया, सिग्नल तक पीछे भागा उसके। लेकिन मैं सच बता हूँ, फिर कुत्ते ने सोचा यार मैं तो कुछ भी नहीं, ये तो बहुत बड़ा है मेरे से भी। हाँ, नहीं हिम्मत में भागने। फिर उस कुत्ते ने रोटी तो वापस की, लेकिन अपने घर गया, 4 ब्रेड पीस भी उसको दिए। लेकिन फिर निकुल के दिमाग में आया कि मैं गलत हूँ, इसने 2 पीस वापस कर दिए, 2 खा गया। बात तो सही है यार, ये सब लोग इतने कंजूस आदमी, उसने डिटॉल गिर गई मालूम है। अच्छा। हाँ वेस्ट हो जाती, इससे क्या कि अपना हाथ काटा और ऐसे डिटॉल लगा दिया। ओए होए बड़ा पुराना पंच मारा। हाँ तो ऐसे लोगों पे नया जोक थोड़ी को यूज करेंगे हम लोग। पहले एक नंबर के गुजराती हैं ये लोग, और ऐसे गुजराती है कांदा 10 रुपया महंगा हो जाता ना तो कहते हम जैन है, हम कांदा नहीं खाते। सर आ गए, राज सर आ गए। देखा स्टार क्या बना, ज्यादा अकड़ आ गई है इसको। राज सर, राज सर, राज सर, राज सर, राज सर, राज सर, बस। अरे बस करो, आप लोगों की हंसी निकाल के छोड़ोगे? आप चलेंगे?
कृष्णा जी आप चाय लाएंगे? लाएंगे क्या साले, स्पॉट बाय तू है। एक मिनट यार, फोन आ गया। हेलो, हाय सर, शो है? अरे वाह शो, अच्छा डांस का शो, अरे वेरी गुड। अकेले नहीं, कश्मीरा साथ चाहिए? ओके एक मिनट पूछ के बताता हूँ। राजी कश्मीरा जी के साथ आप डांस कर लेंगे? हाँ जी हाँ। अरे एक मिनट, हाँ जी हो गया जी हो गया। नहीं नहीं आजकल कश्मीरा उसके साथ नहीं रहती। हाँ जी हाँ जी, वो खत्म बढ़ गया, अब खत्म हो गया। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट बात करके आता हूँ। जी जी राज सर, आपकी माँ बहन अब अलग अलग हो गई है। क्या कह रहा? नहीं मेरा मतलब जब आप राइटर थे तो हम आपकी माँ बहन एक कर देते, अब अलग अलग हो गई है सर। जी आपके लिए मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, एक भी डायलॉग ढंग से नहीं बोले आपने। पैंट शर्ट अच्छी पहनी है आपने, बहुत बढ़िया। कपड़े अच्छे लगाते, डायलॉग एक भी नहीं बोल पाते आप ढंग से। तूने एक भी लाइन ढंग से लिखी क्या? एक भी लाइन ढंग से नहीं लिखी, 6-6 नंबर मिलते अच्छी स्क्रिप्ट करता तो मैं। अरे रात भर जाग जाग के लिए आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी है सर मैंने। इससे तो सो जाता तू। जैसी स्क्रिप्ट बहाना तो होता, स्क्रिप्ट नहीं मिली, 8-8 नंबर मिलते अच्छा, कितनी बेइज्जती होती है। अरे 8-8 नंबर भी 80% होते हैं ना सर, स्कूल में कभी लिए 80% तूने? कभी राइटर बना हुआ है यहाँ पे, साला बड़ी बड़ी बातें करता है, इससे अच्छा था स्टेशन पर कुली लग जाता। देख कर दी ना छोटी बात, कुली बोल के अमिताभ के लेवल पे पहुंचा दिया मेरे को। अबे वो तो अर्चना जी पागल है जो आजकल हंस नहीं रही है। हाँ, अर्चना जी पागल है तब तेरे जोक पे नहीं हंस रही, सही होती तो माँ बहन की गाली देनी थी। कुछ ऐसा लिख, 10-10 नंबर चाहिए स्टैंडिंग ओवेशन। और क्या चाहिए? स्टैंडिंग ओवेशन, ऐसी स्टैंडिंग ओवेशन। हाँ। अबे साले 1000 रुपया जो देती है ना, वो 7000 रुपये उधार लिए थे इन्होंने मेरे से, 1000-1000 करके लौटा रही है। जब पैसे लेने की बारी है तो जैनू माइंड ब्लोइंग, जैनू माइंड ब्लोइंग। मैंने कहा 7000 नहीं, मैं 10000 रुपया दूंगा, जानू जैनू बोल के मार्केट में मेरा नाम मत खराब करो। What nonsense. Oh God. ओ माधुरी, देखे कई बार गिरना पड़ता है, कई बार उठना पड़ता है, ये जीवन है। अरे बस करो यार, जब भी सोहेल भाई बन गए थे, कुछ चीजें कहीं पच्चे, कुछ चीजें ये कहीं पच्चे, या पत्ती की चाय बना दो अब जाके। जब देखो सोहेल भाई चप्पल बेल्ट इन्हीं की बातें करते हैं आप लोग। नहीं मैं बात तो कुछ और करना चाहता, लेकिन मेरे मुंह से निकल जाता कुछ चीजें कहानी। अरे नहीं यार बस। देखो आपके पास कुछ भी नहीं होता तब भी आप करते हो। हाँ। आप लोग इंजॉय करते हो, लेकिन मैं वहाँ बैठ के इंजॉय नहीं करता, ये सच्चाई है। क्योंकि आप लोग मुझे मेरे पे आइटम बनाते हो, ये चप्पल पहन के आता है, लेकिन मैं कोई गरीब आदमी नहीं, ऐसा सबको पता है मैं बैंड्रा में। लेकिन आप लोग, मैं इसलिए आता हूँ कि मेरे पैसे दे दें निकुल, और बिल्कुल मैं पैसे दे ऐसा। लेकिन आप लोग एक मिनट लिसन हे लिसनी, हमारे पास जूतों की कमी नहीं है। कभी मेरे घर पे देखे जाके, कभी मैं अरबाज के पहन लेता हूँ, कभी अरबाज बताए मेरे पहन लो, हम लोगों में कोई पंगा नहीं। लेकिन कोई झगड़ा, आप लोग क्यों झगड़ रहे हो? अरे सर ये कैसा आर्टिस्ट है, इतना बड़ा स्टार बन गया, एक भी लाइन तो बोली नहीं जाती, इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी है मैंने। क्या कहता क्या स्क्रिप्ट के बारे में? अरे कहता घटिया स्क्रिप्ट है ये। घटिया? ये कहाँ से आई आपके पास? किसान की स्क्रिप्ट कैसे? किसान की नहीं, इसने लिखी है। आपने लिखी है? देखिए मैं स्क्रिप्ट के बारे में कुछ जानता नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं, जैसे कि नॉलेज नहीं, मैं क्यों बोलूं? मैं तो वहां भी चुपचाप बैठता, ये बोलती तो मुझे भी साथ साथ बोलना पड़ता, मेरे को कुछ पता ही नहीं एक्चुअली। मेरे को, मैंने कभी अपने मुंह से कहा जाजू ये आप लोग जज, मैं तो क्राइम पेट्रोल का इधर ऑडिशन चल रहा था, मैं आया था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा इंजॉय करेंगे। लेकिन वो इन्होंने अनूप सोनी को दे दिया, और सोनी टीवी वालों ने सोचा कि सोनी नाम है चलो मिल जाएगा, उनको रख लिया। तो मैं स्मार्ट लगता हूँ, कहते जब तक जज नहीं मिलता यहाँ बैठ जाओ, मैं बैठ गया, मेरा क्या है, मेरे मन में भी कुछ नहीं। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, स्क्रिप्ट की बात करिए, आप अपनी बातों में लग गए सर। इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट है, पढ़िए तो सही। एक देखो पागल हो गए। ये तूने लिखी है? कृष्णा सच्ची बताना, आपने अपनी दाढ़ पे किसी जज का मुक्का खाया?
नहीं, क्या लिखते तुम लोग? अरे सर तो फिर ये नहीं लिखे तो स्क्रिप्ट कैसी हो सर, आप बताओ तो सही। आप बताइए स्क्रिप्ट कैसी होती है, आप तो राइटर रह चुके। ऐसे तुम लोग बेइज्जती करते हो राइटरों की। तुम्हें पता है राइटर होता क्या है? सारी रात लालटेन के उजाले में बैठ के वो स्क्रिप्ट लिखता है ताकि इस रोशनी की चकाचौंध में आप लोगों को हंसा सके, आप लोगों का मनोरंजन कर सके। राइटर होता क्या है? एक जान होती है तो राइटर उसकी आत्मा होती है। एक्टर राइटर दोनों हाथ की हथेलियों की तरह होते हैं, जब दोनों मिलते हैं तो इन ऑडियंस की ताली बनती है। तू क्यों रुक गया ताली बजाते हुए? यह होता है एक एक्टर एक राइटर। मेरा किधर है? एक मिनट, एक डायरेक्टर, एक मिनट रुक, बात सुन। बचा है एक, हाँ एक डायरेक्टर क्या होता है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरी एक बात सुन, राइटर बात सुन, बात सुन। एक मिनट पहले ये ज्यादा बोले अर्चना जी, मार्क दे दो, स्टैंडिंग ओवेशन खत्म। आपने जो हंसा हंसा कर हम सबको मार डाला है, देखते हैं कि जजेस में हिम्मत रही है कुछ कहने की कि नहीं। अर्चना, जब कृष्णा आपने अपना स्टैंड अप शुरू किया, मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था मैं आपको 10 दूंगी। दिस इज अ फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैसे कॉमेडी में अगर आप माधुरी भी कर रहे हो तो इतने इनोसेंट से, और उस छुट्टेपन के लिए आज मैं आपको 500,000 नहीं छुट्टा ही दूंगी, ये लीजिए। लव यू कृष्णा, सुदेश एंड सिद्धार्थ, अमेजिंग। थैंक यू। सोहेल, दिस होल एक्ट एंडेड विद अ सटायर, एंडेड विद अ मीनिंगफुल, जो आप लोग कहने आए थे आप लोग ने कहा, लेकिन आप लोग ने हंसा हंसा के कहा, दिल खुश करके किया, सो फॉर दैट फैबुलस इज द राइट स्टेज विद कॉमेडी, अनबिलीवेबल, अनडाउटेडली 10 पॉइंट्स फ्रॉम बोथ द जजेस। थैंक यू। अब सामान की तरह इंसान भी दुकान पर बिकेंगे। हर टाइप के इंसान की दुकान लेकर आ रहे हैं कपिल एज शॉपकीपर, श्वेता एज अ क्लाइंट एंड मुबीन एज रेडीमेड इंसान। हेलो, यस, देखो माल मेरी जल्दी पहुंच जाना चाहिए, मेरे को बड़ा ऑर्डर ज्यादा आए हुए, और बुड्ढे की टांगे मत भिजवाओ यार, जवान के लिए चाहिए थी। बुरा क्यों नहीं लगेगा? पिछली बार भी वो जरान श्रुति के वो खोपड़ी बुटी की लगा दी, तो कस्टमर नाराज होते हद करते आप। और बाल अच्छी कंपनी की भिजवाया करिए आप, इतने घटिया बाल भिजवाते हैं आप, कभी कभी बगल में लगाने पड़ जाते हैं वो बाल, और कभी कभी तो बगल वाले इतने ज्यादा गंदे होते हैं कि अब क्या मेरे मुंह से सुनोगे सब कुछ? ऐसे नहीं होता, ठीक है। बच्चे आए हुए नए कैसे हैं? पर बच्चे मेरे को चाहिए नहीं, मेरे परसों मैंने 8 बच्चे मंगवाए और 3 बिके, बाकी 5 उधर ही पड़े रहे दुकान पे। इतने बदतमीज बच्चे सुसु कर करके बुरा हाल कर दे मेरी दुकान का, पैसे मांगो तो ऊपर से स्माइल देते हैं। हाँ हाँ ठीक है, वो सब चलेगा। और सुनो, 2 जोड़ी मां की आंख भिजवा देना यार, वो थोड़ी दादी की आंख पिछली बार गलती में भिजवा दी आपने, तो बंदा जो लेके गया था ना मां के लिए, वापस करके गया मां को भी, बोलता है कैसी घटिया आंखें दे दी, मां को और कम दिखाई देना शुरू हो गया है। और बोलता है कल से कॉमेडी सर्कस देख रही थी, बोल के कहती है कि पहले तो सोहेल ही आता था, अरबाज भी आने लगा है। यार हमारी मैडम को अरबाज बोल रहा है, नो नो दिस इज नॉट फेयर। अच्छा सुनो, 2 वो भी चाहिए, चल सुन, चल ठीक है, चल तेरे को टेक्स्ट करता हूँ मैं। हाँ ठीक है। और भाई आपको बोर्ड से तो पता चली गया होगा हमारा काम क्या है, पर फिर भी बता दूं क्योंकि बोर्ड है हिंदी में, भाई साहब ठहरे अंग्रेजी के शौकीन, और आपको तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस उम्र में दूर का दिखना बंद हो जाता है। परसों स्कूटर पे जा रही थी, ऑमलेट खा रही थी, मैंने कहा ये क्या कर रही है, कहती लिखा तो है स्कूटर पे ऑमलेट जरूरी है, मैंने कहा ऑमलेट नहीं हेलमेट लिखा हुआ है, मैंने कहा हेलमेट लिखा हुआ है, कहती कोई बात नहीं वो भी खा लेंगे। हम लोग इंसान तैयार करते हैं, हर तरह का इंसान देशों विदेशों में डिलीवरी की जाती है। ये श्रुति मेरे पास आई, कहती मेरे को 20-25 साल की बना सकते हो? मैंने कहा चली जा, मैं नहीं चाहता मैं बुजुर्ग पे हाथ उठाऊं, निकल जा बस। परमीत आया मेरे पास, परमीत आके मेरे को कहता 20-22 साल की हॉट लड़की बना दो, मैं कहा अर्चना को पता चल गया तो? कहता उसी को दिखाने की, देख ऐसी होती लड़की है। और मैंने लेकिन आपका फेवर लिया, मैं कहा क्यों बाल बोल रहे भाई साहब ऐसी बात, अर्चना मैडम कितनी खूबसूरत जवान औरत है। कहता हाँ वो तो ठीक है लेकिन फायदा क्या, हरकत कोई भी नहीं है।
कहते सुहागरात वाले दिन मेरे को कहती है कि जिसके हाथ में पहले दूध का गिलास आ गया वही पति। कहता है वो दिन है और आज का दिन है, कहता है मांग में सिंदूर नहीं लगाता, बाकी मेरी हरते पत्नी वाली है। ये बातें होती है पीठ के पीछे। फिर मेरे को बोलते हैं, कहते यार मैंने सुना तुम्हारा अर्चना कुछ चल रहा है। मैंने कहा सर लोग बकवास करते हैं, रोने लग पड़े। मैं कहा रोने वाली क्या बात है, कहते एक ही उम्मीद थी छुटकारा पाने की, वो भी छूट गई, हद हो जाती यार। खैर मेरा ये फर्ज नहीं बनता आप लोगों के घर की बातें सबके सामने करने का, मैं तो इसलिए कर रहा था कि जस्ट आपकी बदनामी कर सकूं। नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं भाई साहब? मेरी माँ का भाई साहब क्या कर रहे हो, लाखों रुपए खर्च करके तेरे को इसलिए बुलाया था मेरे को भाई साहब, इससे अच्छी सरगुन दी लाइने चाहे कम बोले लेकिन भाई साहब तो नहीं बोलती थी। खैर ये बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैंने सुना है कि तुम्हारे दुकान पर इंसान बनाए जाते हैं। जी बिल्कुल बनाए जाते हैं, कुछ भी बनवा सकते हैं। कुछ भी बनवा सकते हैं आप, क्या बनवाना है आपको? मुझे ना बॉयफ्रेंड बनवाना है। बॉयफ्रेंड बनाना, तो आप हुलिया बताइए किस तरह तैयार कर रहे थे? 6 फीट टॉल। 6 फीट टॉल, मतलब 5,000 रुपए पर फीट के हिसाब से 6 फीट का आपका 30,000 हाइट का हो जाएगा। 5,000 पर फीट? या तुम बॉयफ्रेंड बना रहे हो या बैंड्रा में फ्लैट? व्हाट यू मीन टू से, तुम्हें क्या लगता है बैंड्रा में रहने वाले लोगों के घर सस्ते होते हैं? वो लोग क्या सिर्फ बिरयानी और गाड़ियों में खर्चा करते हैं? व्हाट डू यू मीन, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तो बस एग्जांपल दे रही थी। अरे क्यों डर क्यों रही, बिंदास बोल, जिस बंदे ने हमें काम ही नहीं देना डरना क्या, तू बोल ना, बोल खुल के बोल तू। मैं तो कहता हूँ 4 फीट वाला बॉयफ्रेंड बनवा लो, बड़ा फायदे में रहोगी, बड़ा फायदा होता है 4 फीट वाले बॉयफ्रेंड का। अगर तुम लोग रोमांस करते पकड़ के ऊपर से कोई आ गया, बोल देना पड़ोसियों का बिट्टू है ट्यूशन पढ़ने आया था, वैसे भी लोगों ने बिट्टू बिट्टू बोल के घर में बच्चों जैसे पति रखे हुए हैं, तू डर मत। नहीं नहीं प्लीज, इतना छोटा बॉयफ्रेंड भी नहीं चाहिए प्लीज। Okay. मुझे 6 फिट का ही चाहिए। Okay. और सुनो गोरी चमड़ी यूज करना, काला या सांवला नहीं चाहिए। गोरी चमड़ी का लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, महंगी होती है। महंगी क्यों बताओ सहेल भाई, गोरी चमड़ी है। अरे हमें कोल्ड क्रीम की बात कर रहे हैं, लंदन से लेके आए जो, मैं आपको लंदन भेज रहा हूँ, आपका ध्यान रशिया की तरफ है। मैं एक मिनट रुक जा। हेलो अरबाज खान प्रोडक्शंस, अरबाज भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? उनको मेरा हेलो बोलना, बोलो कपिल का फोन आया था। हाँ तो वही, जब तुम मुझसे पूछें कौन कपिल तो बताना मत, ठीक है? ओके अच्छा ये बताओ तुम्हें लड़का कैसे चाहिए, मॉडल टाइप बनाऊं के ठीक ठाक सा? एकदम हीरो टाइप। अच्छा? जिसके 6 पैक्स हो और okay. जो एकदम इनके बड़े भाई सलमान खान जैसा हो। अच्छा 20,000 रुपए खर्च करके 250 करोड़ का बिजनेस करना चाहती तू? बड़ी चला गई तू। ये ले, मैं बोल रहा हूँ तेरे को सस्ता सा कोई बना देता हूँ तेरे को। नहीं नहीं प्लीज, इतना सस्ता भी नहीं चाहिए, कम से कम सोहेल खान जैसा तो हो। तो मैंने और क्या बोला, मैं फारसी बोल रहा हूँ क्या? सोहेल खान सस्ते में बन जाएगा? बन जाएंगे लेकिन प्रोसेस थोड़ा स्लो है। स्लो प्रोसेस मतलब? स्लो प्रोसेस मतलब जैसे तू कभी बोलेगी ना कि मेरे को शाम को 6 बजे का शो फिल्म में लेके जाओ, तो लेके जाएंगे लेकिन अगले महीने लेके जाते हैं, अगले साल लेके जाते हैं, ये डिपेंड करता है थोड़ा प्रोसेस। नहीं वो चलेगा लेकिन प्यार में स्लो नहीं होना चाहिए। प्यार में नहीं स्लो, वो तो तुम्हें फिल्म लेके जाएगा तुम पता चल जाएगा, ऑडियंस देखेगी फिल्म उधर चल रही है इधर चल रही, वो उस मामले में नहीं स्लो। क्या? हाँ सच्ची? ऐसी रिएक्शन मत दे, असली वाला उठ के आ जाएगा, चलो टाइम भी नहीं लगेगा, चप्पल ही पहननी खाली फटाफट आ गए। हेलो सोहेल खान नहीं नहीं मैंने अरबाज खान प्रोडक्शन से किया था। अरबाज भाई कैसे हैं? ठीक है, उनको मैंने हेलो बोलना। ओके ये क्या बार बार अरबाज खान कैसे हैं, क्या लगा रखा है? अच्छा जो काम का बंदा उसको फोन ना करे, रोज रोज इन्हीं का हाल पूछते रहे। तेरे को पता है मेरे को अरबाज भाई का फोन आया, कह रहे दबंग 3 करोगे? मैंने कहा मैं कर तो लेता लेकिन मैंने डेट सारी दी हुई सोहेल भाई को, शेर खान से क्लैश हो रही है, कहते मेरे को सोहेल नहीं बोला है, इसको ले लो मेरे को बार बार तंग करता है। तो मैं इसलिए वैसे जी डिलीवरी कब तक दोगे? डिलीवरी आप जब बताइए, मेरे जब तैयार हो जाएगा मैं आपको फोन कर दूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक, टेंशन लेने की चीज नहीं है, लेकिन उसे 25,000 रुपए एडवांस। एडवांस क्यों? एडवांस देखिए मैडम, जिंदगी में कुछ ऐसी ठोकरें खाई है, विश्वास नहीं रहा लोगों पे, बिना एडवांस लिए हम लोग बुक नहीं करते कुछ चीज। अच्छा ठीक है, 25,000 रुपए दे दिए, ये लो। ठीक है मैडम, फोन करना। हाँ जरूर जरूर, मैं अच्छे टाइम पे बोली हो गई हम लोग, मैंने असूल बना लिया मैडम, बिना एडवांस के हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं, माल पड़े रह जाते हैं। आपको पता है मेरे को काजल ने कहा मेरे को अजय बना दो दोबारा से, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा रहता है। मैंने जितना हो सका मैंने किया सीधा, पहले से थोड़ा सीधा हुआ है लेकिन अभी देखो नाभी सेंटर से उधर के इधर चली गई। मैंने कारीगर को बुलाया, मैंने कहा ये क्या,
कहना भाई साहब कुछ भी कर लो एक आध चीज टेढ़ी रहेगी रहेगी, माल पड़ा रहता है इधर। मैं फोन करके पहले लड़की के बॉयफ्रेंड का इंतजाम करूं, धंधा चलना चाहिए। हेलो चरणदास, चरणदास मैंने लड़की, हाँ एक लड़की को बॉयफ्रेंड चाहिए, हाँ मेरे पास कच्चा माल नहीं आ रहा है, तो मैंने जल्दी जल्दी, मैं तू आ जा जल्दी, हाँ तुझे चिपकाता हूँ जल्दी आ। हेलो यो पूरन सिंह, यो पूरन सिंह, यो 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 यो। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज फर्स्ट टाइम माय लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी विद माय वाइफ, यो 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 यो। ए गांव के छमक छल्लो के बोलत बाड़ू, ए गांव के छमक छल्लो के बोलत बाड़ू, हम प्यार के इजहार करे काहे मारे झाड़ू। यो 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 यो। अरे बस 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 बस, ये बंदा देखिए आप दिल्ली से पंजाब बाई रोड जाएं, सड़क के दोनों तरफ ऐसा आम पापड़ मिलता है, इधर आवे। मेरे पास कच्चा माल नहीं है, एक लड़की आई बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, ठीक है मैं तेरे को चिपकाऊंगा उधर, समझ में आया? तू बोलना मैंने तेरे को अभी अभी सैंपल किया है, ओके। अरे लेकिन हमारे ऐसे काले लौंडे से कौन लड़की पटेगी? अरे तेरे को जानबूझ के बनाया मैंने ताकि तेरे को मना कर दे, मेरे को अच्छी लगी मैं सेटिंग करूंगा उससे। मैं तुम्हें फोन कर दे। हेलो मैडम आपका बॉयफ्रेंड तैयार है जी। बाप रे इतनी तलब लगी, फोन तो उठा लेती आप सीधा। आपका बॉयफ्रेंड तैयार है मैडम। इतनी जल्दी? बस मैडम हमारा स्टाइल ही ऐसा है, 15 दिन का बोल के 15 मिनट में तैयार कर देते हैं, ऐसे नहीं हम लोग लोगों की तरह दो दो साल बाद में पता नहीं पूछे। आपका बॉयफ्रेंड तैयार है, ठीक है। कहाँ है मेरे सपनों का राजकुमार? सपनों का राजकुमार तो पता नहीं, सपनों का सुअर खड़ा है इधर। हेलो ए चरणदास। ये चरणदास है कि चरसदास? मैं पत्थर का थप्पड़ मारूं तेरे, इसका तो रंग निकल रहा है, अभी सूखा नहीं ना, गीला गीला बना अभी। तेरे को कहा था धूप में खड़ा रहे, थोड़ी देर सूख गया तबे। इतनी जल्दी आने की जरूरत थी तेरे को? मैडम जैसा आपने कहा था वैसे बनाया, पूरी बात मानेगा आपकी, आपकी शादी होगी, सोचो आप दोनों के बच्चे कितने खराब पैदा होंगे, शतरंज जैसे, आधे सफेद आधे काले, मजा आ जाएगा आपको। नहीं प्लीज प्लीज मुझे ये नहीं चाहिए, इससे अच्छे तो तुम हो। यही तो मैं सुनना चाहता था। चल बे, फेस वैल्यू बड़ी ना, मुंह काला करके आ गया तू, चल चल यहां से। अकल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का क्यों इंतजार कर रहे थे तुम? दबंग 2 का डायलॉग, वो भी इस गेटअप में, ये तो फिर चंकी पांडे को ऑस्कर दिलाने वाली बात हो गई। ये तो चल निकल यहां से। सरदार मुझे लड़की चाहिए ही चाहिए। एक अभी निकल गई है, तेरे को भी मैसेज करवा दूंगा चैनल का, समझ में आया ना? चेक कर कोई बंदा तेरे को आई हो, जेब में मोबाइल चेक कर। हमको मैसेज आ ही नहीं सकता। क्यों बे? मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। उसके लिए चाहे मुझे तेरे मोबाइल गिफ्ट करना पड़े, लेकिन तेरे को निकलवा के छोड़ूंगा, थप्पड़ मारूंगा, देखा नहीं तेरे को। निकलवाने की 1500 से हमें क्या फर्क पड़ता है? 1500 से फर्क पड़ने की बात नहीं है, हमारा रेट नहीं बढ़ता, नंबर कम होते जाते हमारे, पर आज तुम आई हो कोई पता नहीं ज्यादा नंबर मिल जाए। थैंक यू। तो जजेस इन्होंने अच्छी फरमाइश तो रख ली है, देखते हैं आप इनका दिल रखते हैं कि नहीं। आर्ची, जब इतनी सुंदर महिला का और खास तौर से महिला का आगमन होता है तो कहते हैं ना लक्ष्मी घर आती है, तो वाकई आपके नंबर बढ़ गए। थैंक यू मोबीन, बहुत क्यूटली किया आपने। और कपिल मेरे भाई, वेलकम बैक। थैंक यू मैम। थैंक यू। बिफोर यू आस्क सोहेल एनीथिंग, 10 पॉइंट्स एंड अ स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम अर्चना। सोहेल आप कमेंट्स देंगे या इन्हें शेर खान की शूटिंग डेट्स बताएंगे? आई लव द टाइटल देर खान। आई लव द टाइटल देर खान। सही वाक्यों पे ये एक्ट लिखा गया है, बट नेवरदलेस स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम सोहेल एज वेल। अनडाउटेडली द मोस्ट एंटरटेनिंग एक्ट। 10 पॉइंट्स। और हंसने हंसाने के लिए आप और हम फिर से यही आएंगे, ओनली ऑन सेंटर फ्रेश चुइंग गम प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे।